नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्ने या मुहासे वैसे तो आमतौर पर चेहरे पर निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास भी एक्ने होते हैं। जिन्हें फीमेल में होते हैं उन्हें वेजाइनल एक्ने कहा जाता है, और मेल के प्राइवेट पार्ट्स पर भी एक्ने होते हैं। यह प्यूबिक एरिया के बाल टूटने, सूजन और रेजर से कटने के कारण हो सकते हैं। इसके कारण जलन महसूस होती है। हालांकि प्राइवेट पार्ट के एक्ने रेयर नहीं बल्कि एक आम समस्या है, जो बहुत सी महिलाओं को, बहुत से पुरुषों को होती है। चाहे आप अपने प्यूबिक एरिया को कितना भी साफ रखें, लेकिन किसी न किसी कारण से एक्ने आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास उभर ही आते हैं। आइए जानते हैं प्राइवेट पार्ट के एक्ने के कारण और इसका इलाज। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट पर मुहासे होने के कारण चेहरे के मुहासे की तरह प्राइवेट पार्ट के एक्ने शीबम ऑयल के अधिक प्रोडक्शन के कारण होते हैं। इसके अलावा यह है फॉलिक्यूलेट यानी सूजन के कारण भी होते हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल उत्तेजित हो जाते हैं। मुहासे जब खुंची में बदल जाते हैं तो तेज दर्द भी होता है। साथ ही शेविंग के दौरान रेजर से कटने, वैक्सिंग, टाइट कपड़े पहनने और फॉलिकल में बैक्टीरिया उत्पन्न होने के कारण भी आपके प्राइवेट पार्ट में एक्ने हो सकते हैं। अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास एक्ने हैं तो एक्ने फाइटिंग वॉश का ऑप्शन खोजें। इसके लिए एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें। यह आपके प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह क्लीन करता है और एक्ने से बचाता है। हालांकि इसका यूज सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट की बाहरी हिस्सों को साफ करने के लिए करना चाहिए। इस तरह चेहरे का फेशियल किया जाता है, वैसे ही वेजाइना का वेजेशियल किया जाता है। इसमें योनि के आसपास की अच्छी तरह स्क्रब किया जाता है, जिससे त्वचा सॉफ्ट और यंग बनती है। वेजेशियल घर पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए वेजेशियल प्रोडक्ट, स्क्रब और मॉइस्चराइज की ज़रूरत पड़ती है। एंटी बैक्टीरियल क्रीम प्राइवेट पार्ट के एक्ने को हटाने में बहुत कारगर साबित होती हैं। इन्हें इस्तेमाल करना भी सुरक्षित माना जाता है। आप सोफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है और आपके प्राइवेट पार्ट को सुरक्षित रखती है। इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल क्रीम भी मौजूद है, जो आपके प्राइवेट पार्ट के लिए सुरक्षित है। दोस्तों, यदि आप अपने प्राइवेट पार्ट को नाखून से दबाते हैं तो इससे आपको दर्द हो सकता है, साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। सिर्फ यह नहीं, प्राइवेट पार्ट के एक्ने के कारण यौन संचरित बीमारी भी हो सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट पार्ट के एक्ने से बचाव कैसे कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट के एक्ने होने पर कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, इसलिए इससे बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको प्राइवेट पार्ट एरिया को क्लीन और ड्राई रखें, सिंथेटिक अंडरवियर पहनें बजाय कॉटन फैब्रिक ट्राई करें। इसके अलावा शेविंग करते समय सावधानी बरतें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलता है किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।